बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले हम जो फर्स्ट ऐड ऑन जो है वो इंटीग्रेट करने जा रहे हैं विद MFPS, दैट इज़ वीपन पैक नंबर वन। और ये वीपन पैक के अंदर 16 वीपन्स हैं विद एनिमेटेड हैंड्स। इंडीड इट हैज़ 18 वीपन्स, लेकिन टू वीपन्स जो हैं वो एनिमेटेड नहीं हैं। और उसके लिए अगर आपको एनिमेटेड हैंड्स भी के पैक भी चाहिए होगा, अगर आपने उसको एनिमेट करना है। एनी हाउ, हम इस ऐड ऑन को जो है वो ऐड करते हैं, और ऐड ऑन को ऐड करने के लिए हम वीपन पैक ऐड ऑन को ऐड कर लेते हैं विद इन यूनिटी, और इसको इम्पोर्ट कर लेते हैं। इसकी एनिमेशंस वगैरह भी आ जाएंगी एंड एवरीथिंग विल बी देयर। ओके, सो नाउ हमने वीपन पैक वन जो है वो ऐड कर दिया, एंड यू कैन सी के ऐड ऑन इज़ प्रेजेंट इन द प्रोजेक्ट। तो ये अब ऐड हो चुका है, बट डेफिनेटली अगर आप इसकी डॉक्यूमेंटेशन को देखें तो यू विल हैव सम डिस्क्रिप्शन। और यहाँ पे ये कह रहा है कि एनिमेटेड हैंड्स विद वीपन पैक, ये वाला एक जो एसेट है ये हमें रिक्वायर होगा बिफोर डूइंग एनीथिंग एल्स, अदरवाइज कुछ एनिमेशंस कुछ वीपन्स के लिए काम नहीं करेंगी। तो ये वाला एसेट जो है जी, ये भी हम इंपोर्ट कर सकते हैं। सो अगर आप ये करना चाहें, इसके अलावा भी कुछ, अगर ना भी ये वाला एसेट आप इंपोर्ट करें तब भी ज़्यादातर वीपन्स काम करेंगे, बट इफ़ यू विल इंपोर्ट दिस एसेट तो फिर सारे वीपन्स जो हैं वो होपफुली काम करेंगे और आप उनको इंजॉय कर सकते हैं। तो ये वाला एसेट भी इंपोर्ट कर लेते हैं और फिर रिज्यूम करते हैं वीडियो। ओके, सो हमने वीपन पैक वन जो है वो भी इंपोर्ट कर लिया है अपने प्रोजेक्ट में। और जब आप इंपोर्ट कर लेंगे तो एसेट्स के अंदर ऐड ऑन्स पे जाना है, और फिर यहाँ पे आपके सारे ऐड ऑन्स जितने भी आप ऐड करेंगे वो आ जाएंगे। वीपन्स पैक वन में जाना है आपने, और उसके बाद आपने जाना है प्री फैब्स में, और फिर आपने जाना है इंटीग्रेशन में। और यहाँ इंटीग्रेशन के अंदर ये इंटीग्रेशन है, इस पर डबल क्लिक कर देना आपने, एंड देन यू कैन सी के वी हैव दी इंटीग्रेशन। और ये जब प्री फैब ओपन होती है तो राइट साइड पे आप देख सकते हैं कि वी हैव दी गन डेटा, और इसके अंदर आपकी डिफरेंट गन्स। जब आपने इस पर डबल क्लिक किया तो अब ये गन्स जो हैं ऑटोमेटिकली इंटीग्रेट हो जाती हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंटीग्रेट बटन पे जब हम क्लिक करते हैं तो नाउ सिंपली यूज़ द प्लेयर प्रीफैब ऑन द रिसोर्स फोल्डर। सो नाउ हमने क्या करना है कि यहाँ पे गेम डेटा को तलाश करना है, और जो गेम डेटा है उसके अंदर हमने अपना जो प्लेयर है उसको ऐड करना है, एम प्लेयर, जो कि ऐड ऑन वाला वीपन्स पैक वाला प्लेयर है। और उसके लिए हम वापस चले जाएंगे, ऐड ऑन्स पे चले जाएंगे, एंड देन वीपन पैक्स में जाएंगे और रिसोर्सेज में जाएंगे। और यहाँ पे आप देखिए एक नया प्लेयर आपको नज़र आता है, एम प्लेयर W1। और अगर हमने क्या करना है कि इस प्लेयर को जो है वो ड्रैग ड्रॉप करना है टू द रेलेवेंट फील्ड, और यहाँ पे आप देख लीजिए कि ये हमारे प्लेयर्स हैं, Player 1 Player 2, और यहाँ पे हम Player 1 की जगह जो है इसको रिप्लेस कर देते हैं विद RWP1 प्लेयर। और ये इस तरह से हमारा प्लेयर जो है वो रिप्लेस हो गया, और अब ये वाला प्लेयर जो है वो अवेलेबल रहेगा। ओके, अब हम प्रॉपरली जो है वो इंटीग्रेट करने जा रहे हैं। और सबसे पहले चार वीपन्स ऐसे हैं, ग्रेनेड, नाइफ, एक्स एंड टू हैंड एक्स, जो कि एक्चुअली जिनकी रन एनिमेशंस को हमने जो है वो थोड़ा सा दुरुस्त करना है। और उसके लिए हम वीपन्स हैंड, ये जो आपका फोल्डर है हैंड्स वीपन एनिमेशंस पैक, इसके अंदर जाना है, और इसके अंदर मॉड्यूल्स मॉड्यूलॉस के अंदर जाना है, और इसके अंदर फिर हमने जाना है जी स्पेसिफिक फोल्डर पे। फॉर एग्जांपल सबसे पहले ग्रेनेड है, तो हम ग्रेनेड को यहाँ पे ढूंढ लेते हैं, ABCDEFGH, तो कहाँ पे गया? अच्छा, हैंड्स पहले लिखा हुआ है हर किसी के पहले, और फिर लिखा हुआ है ABCD ग्रेनेड। ओके, ये है मेरे ख्याल से, हाँ ये आप देखिए ग्रेनेड, और इस पे जाएं
एंड देन हमने इसकी एनिमेशंस पे जाना है, और एनिमेशंस के अंदर जो आपकी रन एनिमेशन है यहाँ पे, उसको हमने रन एनिमेशन को सेलेक्ट करके इसकी जो एनिमेशन क्लिप लिस्ट है उसको लूप करना है. ओके, और दिस इज़ इम्पोर्टेंट, अदरवाइज वी विल हैव दी प्रॉब्लम्स. तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि इसकी ये वॉक एनिमेशन है, ये थ्रो है, ये रन है, ये वाली आइडल है, और ये गेट है. तो रन एनिमेशन को सेलेक्ट करें, और यहाँ पे रन एनिमेशन की एनिमेशन पे जाना, और यहाँ पे लूप करना इसको और अप्लाई कर लेना है. तो यही काम जो बाकी के हैं उनके साथ भी हमने करना है, यानी नाइफ एक्स टू हैंड एक्स, फिर हम आगे चलते हैं. जी, तो हमने एनिमेशंस रन एनिमेशंस को लूप कर दिया है, रिक्वायर्ड रन एनिमेशंस. बाकी वीपन्स बिल्कुल दुरुस्त हैं, तो उनकी करने की ज़रूरत नहीं है. एंड देन वी विल जस्ट क्लिक ऑन नेक्स्ट स्टेप कि नेक्स्ट क्या करना है. जी, तो यहाँ भी ये कह रहा है, फर्स्ट लेट एड द वीपन इन टू इन्फो एंड गेम डेटा, दिस इज़ ओनली रिक्वायर्ड टू डू वन टाइम. ओके, तो ये एक दफ़ा हमने करना है, और इसमें ये है कि हमने वीपन इन्फोज जो हैं वो ऐड करनी है टू द गेम डेटा. तो यहाँ पे आ जाते हैं, और यहाँ पे ये क्या कह रहा है जी कि द एड ऑन पैकेज कम्स विद प्लेयर प्रीफैब. तो प्लेयर प्रीफैब के साथ आता है हमारा पैकेज, दैट हैव ऑल वीपन्स फ्रॉम द पैक ऑलरेडी इंटीग्रेटेड. यू कैन यूज़ दैट प्रीफैब टू टेस्ट वीपन्स राइट अवे. बट इफ़ यू वॉन्ट टू ऐड वीपन्स टू अनदर प्लेयर प्रीफैब, यू सिंपली नीड टू ड्रैग द प्लेयर प्रेफ इन द फील्ड बिलो एंड क्लिक ऑन द इंटीग्रेट बटन. तो कहता है कि आप तो यहाँ पे अपना प्लेयर ऐड कर सकते हैं, और जितने प्लेयर्स हैं उनको आप फिर इंटीग्रेट जो है वो कर सकते हैं विद दी वीपन सिस्टम. ओके, तो MFPS के अंदर जाते हैं, और रिसोर्सेज के अंदर आप देखेंगे हमारे पास ये एम प्लेयर था, एम प्लेयर टू था. तो हम ये वाला एम प्लेयर जो है वो ऐड करते हैं, और आप इस तरीके से मज़ीद प्लेयर्स भी हमने बनाने का तरीका सीखा था, तो इंटीग्रेट करते हैं इसको. तो ये जो है वो इंटीग्रेट हो जाएगा. एंड नाउ ही सेइंग दैट यू आर सेट, नाउ यू विल सी एन इंस्टेंस ऑफ प्लेयर प्रीफैब इन दी की विंडो. यू कैन चेंज द प्लेयर क्लासेस लोड आउट इन दी BL गन मैनेजर इंस्पेक्टर एजॉल्ट क्लास. ओके, सो ये कह रहा है जी कि यहाँ पे आप अगर जाएंगे एम प्लेयर पे, या जो भी आपका प्लेयर होगा, तो इसकी यहाँ पे आपको BL गन फर्स्ट पर्सन एंड गन क्लासेस यहाँ पे आपको नज़र आएंगी, एंड देयर यू कैन एक्चुअली PL गन मैनेजर एंड वेयर इट इज प्लेयर हेल्थ नेम प्लेयर सेटिंग एंड हमें नज़र नहीं आ रहा फोटोन व्यू कहाँ पे है. ओके, इंडीड ये रिसोर्सेज के अंदर जो है अगर हम जाएं, तो यहाँ पे एक और एम प्लेयर जो है वो बन जाता है विद ए नहीं एम प्लेयर, और ये सॉरी यही वाला था एम प्लेयर, और इसको हमने इंटीग्रेट किया है. तो यहाँ पे हमने सेलेक्ट करना है, और यहाँ पे जब हम सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे प्लेयर सेटिंग्स प्लेयर हेल्थ मैनेजर थ्रो वॉइस प्लेयर रेफरेंस, कहाँ पे चला गया.
ओके तो ये जो प्रीफैब है हमारी, इसके अंदर अगर आप देखेंगे, इसको एक्सटेंड करेंगे इन द लोकल माउस एनिमेशंस, मेन कैमरा, वीपन कैमरा, एम्स, और ये वीपन मैनेजर के अंदर आप आएंगे तो वीपन मैनेजर के ऊपर जो है वो ये बीएल गन मैनेजर जो है वो आपको नज़र आएगा। और बीएल गन मैनेजर जो है उसके अंदर ये सारी राइफल्स जो हैं वो आपको नज़र आनी हैं। और यहाँ पे आप देखिए एजॉल्ट क्लास जो है, यहाँ पे आप मज़ीद जो है वो गन्स को जो है वो चेंज कर सकते हैं। इंजीनियर क्लासेस हैं और रिकॉन क्लासेस हैं और स्पोर्ट क्लासेस हैं, तो यहाँ पे आप जो है वो गन्स वगैरह को जो है वो चेंज कर सकते हैं। एंड यू कैन सी कि हमारे पास राइफल है, टॉमी गन सेलेक्ट कर लेते हैं फॉर एग्जांपल, पिस्टल 2 सेलेक्ट कर लेते हैं, राइफल 3 सेलेक्ट कर लेते हैं, ग्रेनेड लॉन्चर की बजाय हम X2 सेलेक्ट कर लेते हैं। तो इस तरीके से हम जो है वो डिफरेंट वीपन्स जो हैं वो यहाँ पे आप उनको चेंज कर सकते हैं, एंड इट्स अप टू यू। और उसके बाद डेफिनेटली हम ये जो प्रीफैब है इसके अवर राइट्स अप्लाई कर लेंगे, ताकि जो हम चेंजेस कर रहे हैं वो यहाँ पे आ जाएं। एंड देन ये करने के बाद हम इसको यहाँ से डिलीट कर देते हैं बिकॉज़ इट इज़ आवर मेन सीन। और अगर इसको देखना चाहें आप तो एक दफ़ा इसको रीचेक ज़रूर कर लें प्रीफैब को, ताकि कोई इशू ना रहे। एंड ओके दैट्स फाइन। गेम डेटा के अंदर जाते हैं और गेम डेटा के अंदर जो प्लेयर्स हैं, ये अब आप देख सकते हैं गेम डेटा में आप वीपन्स जो हैं वो आ गए हैं काफ़ी ज़्यादा। और यहाँ पे हम एम प्लेयर डाल देते हैं जो आवर राइट प्लेयर था। लेट्स सी, ओके तो ये आप देखिए जी, नई गन्स जो हैं वो आ चुकी हैं। एंड ये देखिए आप बिल्कुल अच्छे तरीके से जो है वो काम भी हो रहा है। एंड यू कैन सी कि आपकी गन्स जो हैं वो, ये वाली नई गन हमने ऐड की है एंड एक्स ऐड की है एंड दीज आर वर्किंग। ओके सो दैट्स ग्रेट। तो पिकअप आइटम्स भी आप रख सकते हैं और गन्स को जो है वो आप यूटिलाइज कर सकते हैं डिफरेंट गन्स को इन योर गेम। और दैट्स ऑसम, ग्रेट। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।